नमस्ते मित्रों, जय श्री राम चरेवर्त। आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज काफ़ी व्यक्तियों ने मुझसे पहले कई बार पूछा है, कई बार बताया कि ना कुंभक नहीं बढ़ पाता है। आज मैं बैठक बताऊंगा, जैसे कि आप सभी ने पढ़ा होगा स्वामी ओमानंद जी क्या कहते हैं, कम से कम हमारी 2 मिनट की एक बैठक तो होनी चाहिए। इससे दोस्तों स्वास्थ्य में बहुत अधिक लाभ मिलता है। बाकी जो व्यक्ति जैसे करना चाहता है वैसा कर सकता है। तो आज मेरा मुख्य उद्देश्य इस वीडियो को बनाने का ये है कि मैं आप सभी को बता सकूं किस प्रकार से आप अपनी जो कुंभक की अवस्था बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए एक बैठक लगाने में आपको 20 सेकंड या 25 सेकंड का समय लगता है, तो जो विधि अब मैं आपको बताऊंगा ये करने के बाद में आप सभी का जो कम से कम 10 सेकंड का तो आपको बढ़ ही जाएगा, आराम से बढ़ जाएगा, कोई इसमें शक नहीं है। और दोस्तों ये सारी चीज़ें मुझे अपना करते करते, ये व्यायाम करते करते अनुभव से मैंने सीखी हैं, और वही मैं अपना अनुभव आप सबके साथ में साझा कर रहा हूं। और मैं आप सभी को एक चीज़ और बता देना चाहता हूं कि जो व्यक्ति अभी नए हैं, जो पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको नहीं मालूम प्राणायाम वगैरह के बारे में, कुंभक आदि के बारे में, तो उन सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण वीडियो के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में या अपन कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो वो वीडियो आप ज़रूर से भी ज़रूर देख लेना, आपको बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए हमें क्या करना है, आप जब भी बैठक लगाएं, बैठक लगाने से पहले आपको जो है 10 बार लंबे गहरे पहले श्वास लेने हैं। लेकिन एक चीज़ बताता हूँ इससे पहले, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि आप सभी को जो है ना प्राणायाम ज़रूर करने हैं, ठीक है। कोई भी हम दंड आदि, बैठक आदि, दौड़ आदि या तैराकी आदि कुछ भी हम करते हैं, उससे पहले हमें प्राणायाम जरूर करें, लंबे गहरे श्वास लेने छोड़ने की क्रिया कर लेनी चाहिए। और दंड आदि आप लगा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मध्यम गति, जैसे मैंने बताया था कि कुंभ की अवस्था कैसे बढ़े, वो विधि हम यहाँ पर जोड़कर देखते हैं क्या लाभ हमें मिलता है। देखिए पहले मैं 12 बार गिनकर नाक से लंबा गहरा श्वास लेना छोड़ना, तेजी मतलब मध्यम गति से, ना तेजी से ना मंदी से। कम से कम 12 बार मैंने कर लिया है, इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी ज़्यादा हमारे शरीर में बढ़ जाएगी और कुंभक की अवस्था हमारी धीरे धीरे बढ़ जाएगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने देखा इस प्रकार से आप आराम से 1 मिनट का कुंभक के साथ में दंड लगा सकते हैं। मेरी खुद की जो है 1 मिनट 5 सेकंड, कभी 1 मिनट, कभी 1 मिनट 10 सेकंड या 1 मिनट, इसी के पास रहती है। तो दोस्तों आप सभी इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है।
सफ़ेद नमक के स्थान पर सेंधा नमक खाइए, और जो चीनी आदि के स्थान पर जो है मीठे में खांड आदि खा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ठीक है, अगली वीडियो भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आप सभी को नमस्ते, जय श्री राम, जय हरिवर्त।